Hi, hello, namaste. How are you all? I hope you guys are doing absolutely well. I am back with another vlog, और I know कि मैं रोज हमेशा late हो रही हूँ धीरे धीरे करके because यार content ढूंढने में बहुत ज्यादा time लगता है. जो जो हम normal सोचते ना वो सब पहले ही अवेलेबल है यार इंटरनेट पे, वो कोई देखना नहीं चाहेगा. ठीक है, तो अब सोचना पड़ता है कि नया क्या बनाओ, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है. I'm really sorry. मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी जल्दी से जल्दी वीडियो डाला करूँ. ठीक है, आज का वीडियो होने वाला है, आई नो कि आप लोगों ने थंबनेल देख ली है, जो है इटालियन डिशेस विदाउट पास्ता विदाउट पिज्जा. हम इंडियंस के लिए ना इटालियन डिशेस का मतलब होता है रेड सॉस पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, पिंक सॉस पास्ता, मार्गरिटा पिज्जा. पिज्जा द वेरी फर्स्ट इन माय लिस्ट इज ग्रैनिटा. सो मुझे मैंने ना कल देख लिया था कि क्या होने वाली है मेरी, कौन कौन से डिशेस मैं ट्राई करने वाली हूँ. ग्रैनिटा मैंने कल ही प्रिपेयर करके रख लिया था. दो चीजों का ध्यान रखना है ग्रैनिटा में. द फर्स्ट थिंग इज लेमन का यूज करना है. मैंने इंडिया के जितने भी वीडियोस देखी ना ग्रैनिटा बनाने के लिए, उनने लेमन का यूज करा ही नहीं है. और जितनी भी फॉरेन की आप बोलो, इटली से जो भी जितने भी लोग हैं जिन्होंने वीडियो डाली ग्रैनिटा की, वो लोगों ने लेमन का यूज पक्के से करा, उन्होंने बोला लेमन यूज करना ही है. सो लेमन का यूज करना है. बहुत सारे ग्रैनिटा बनते हैं, वाटरमेलन ग्रैनिटा, स्ट्रॉबेरी ग्रैनिटा, मैंगो ग्रैनिटा. आई गेस लेमन ग्रैनिटा मुझे ट्राई करना है, पर अभी मेरे घर इतने सारे लेमन नहीं है तो मैं ट्राई नहीं कर सकती हूँ. एंड सेकेंड थिंग इज उसको हर 1 से 2 घंटे में उसको ऐसे ऐसे फोक से चलाते रहना है, सो दैट क्रिस्टल वगैरह बन जाए उसके. तो मैं पहले रेसिपी बता देती हूँ, फिर देखते हैं वो कैसा लगता है. ऑल राइट, सो दिस रेसिपी आई नो गोइंग टू बी रियली सिंपल. अपन को चाहिए वाटरमेलन जूस, इसके बाद शक्कर का पानी. उसको चाशनी नहीं बनानी है, जस्ट ऐसा पानी होना चाहिए. ठीक है, तो मैंने ये 3-4 चम्मच डाल दिया था. नाउ लेमन जूस जो कि आधा चम्मच के करीबन होगा, आधा से एक चम्मच. ठीक है, मिक्स एवरीथिंग फ्रीज़र में. ऑल राइट, सब जब थोड़ी बहुत ऐसी जम जाए ना, तो इस टाइप से with the help of a fork. तो चलो let's taste it. It's actually good. If you are a ice gola lover, you are gonna love that. ऐसा बारिश आने वाली है I guess. और अब हम बारिश में नहीं भीग सकते, हम एक भी बार बारिश में नहीं भीगे, क्योंकि अगर हमें सर्दी खांसी हुई तो कोई हमारे घर के सामने भी नहीं आएगा, कोई हमें उनके घर के अंदर घुसने भी नहीं देगा, just because corona चल रहा है. ओके, तो लंच में मैं क्या ट्राई कर रही हूँ वो है ब्रुश्चेता. आई होप कि मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ. ब्रुश्चेता इज वेरी सिमिलर टू पिज्जा, बट पिज्जा को हम बेक करते हैं, इसको हम बेक नहीं करेंगे. अच्छा हाँ, एक चीज और बोल दूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि अगर बिगाड़ा होता तो मुझे मेरी मम्मी बहुत ज्यादा मारती है. मम्मी बोल रही है मारती हूँ, डांटती हूँ. डांटती भी है, कभी कभी लगा भी देती है गुस्से में, बाहर कर देती है किचन का, अब तो कुछ नहीं बनाएगी. चलो ठीक है, बनाते खाते हैं और फिर बाहर जाके देखते हैं कैसा लग रहा है. सो फॉर ब्रुश्चेता वी नीड टमाटर, अनियन, ब्लैक पेपर, ओरिगैनो, लेमन. मुझे कोई भी ऐसी वीडियो में बताया नहीं है कि इसमें कौन सा प्याज यूज करा है, तो मैंने घी लगा के सेक लिया है. होप कि वो कुछ और यूज नहीं करते. तो अब उन लोगों ने क्या करा था, इसे इस टाइप से गार्लिक को रब करा था. मुझे गार्लिक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बट स्टिल करना तो पड़ेगा. उन लोग कैसे खाते देखने को. टमाटो, अनियन, ब्लैक पेपर, ओरिगैनो. इटली में लोग यूज करते हैं विनेगर, बट मैं कोई से भी डिश में विनेगर यूज नहीं करती हूँ. इंस्टेंट आई यूज, उसकी जगह मैं यूज करती हूँ नींबू. सो आई एम गोना यूज लेमन, सॉल्ट. चलो अब चलते हैं और खाते टेस्ट करते हैं कैसा लगता है ये. सो नाउ वी आर गोना ट्राई दिस ब्रुश्चेता. हम्म,
शायद इसमें चीज वगैरह और डालते तो शायद और अच्छा फ्लेवर आता, बट ओके ओके है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, पर हाँ ठीक ठीक है। जल्दी मिलती हूँ खाकर, बाय। इटालियन कॉफी कौन सी होती है? इटालियन कॉफी होती है कैपेचिनो, ठीक है? कैपेचिनो एक्चुअली इटली से इटली में इन्वेंट हुई थी। चीयर्स फॉर कैपेचिनो। चलो कॉफी पी लेती हूँ, फिर आपसे जल्दी से जल्दी मिलती हूँ, बाय। चलो खेलते हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ रात की डिश, आई होप कि वो अच्छी बने, नेम्ड रिसोटो। रिसोटो बहुत सारे टाइप से बनाई जाती है, मैं बना रही हूँ टोमेटो रिसोटो, स्पिनिच रिसोटो भी बनाई जाती है, चिकन रिसोटो बनाई जाती है, वो व्हाइट सॉस पास्ता जैसा बनता है ना वैसे भी बनाई जाती है, वो कॉर्न वगैरह सब डाल के, पर मैं टोमेटो रिसोटो बना रही हूँ क्योंकि मैं, मेरे को कभी व्हाइट सॉस पास्ता भी अच्छा नहीं लगता, बहुत बहुत गंदा सा लगता है, दीपसा मेरे को नहीं पसंद है वो, ठीक है? मतलब जिसको पसंद है प्लीज अनसब्सक्राइब मत करना, बाल बांध लिए जाए जल्दी से और रिसोटो बनाया जाए। मम्मा मिया, वी नीड राइस, दूसरे टाइप के वो जो इटालियन राइस जो होते हैं वो लगते हैं, पर मेरे पास वो है नहीं, और वो इंडिया में अभी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं नॉर्मल अपने जो राइस रहते हैं वो यूज़ कर रही हूँ। गार्लिक अनियन टमाटो, टमाटो की प्यूरी चाहिए, चीज़ थोड़ा सा, बेजिल लिप और ग्रीन ब्लैक पेपर, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल स्टॉक, वेजिटेबल स्टॉक इज नथिंग, जितनी भी सब्जी आती है उसको उबाल लो, बस रेडिश वगैरह मत यूज़ करना। गार्लिक अनियन टमाटो प्यूरी, चावल, जब इस टाइप के थोड़े से चावल होने लगे तो इस टाइम अपन को डाल देना है ये वेजिटेबल स्टॉक, इनको अच्छे से पकाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे, और चावल को पूरे टाइम चलाते रहना है सो दैट नीचे को चिपके नहीं, वरना नीचे चिपक जाएंगे अपने राइस। All right, so now I'm gonna use little cheese. Our recipe is ready. Now I'm gonna try this. अच्छा टेस्ट है, क्रीमी फ्लेवर है काफी ज्यादा, इट्स मोर लाइक टमेटो राइस, ओवरऑल अच्छा है, मतलब जो ऐसा पिंक सॉस पास्ता खाते ना सेम वैसा फ्लेवर आ रहा है, मुझे तो अच्छा लगा। क्वेश्चन टाइम, दो क्वेश्चन आए मुझे, द फर्स्ट वन इज फ्रॉम ईशा हु इज माई BFF इन मेल, सो BFF मेरा कोई भी नहीं है, मैं BFF नहीं बोलती हूँ, बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ क्लोज फ्रेंड, लाइक बॉबी मेरा अच्छा फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, दीपक अच्छा क्लोज फ्रेंड है, पुष्पेंद्र भैया बहुत अच्छे फ्रेंड है। द सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑनेस्ट ऑलराउंडर, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, it's more like to promote his channel, so please go and search in the search box honest all rounder, ye mere bhaiya ka beta hai, so please subscribe to his channel, aap comment karke usko batana aapko kya acha laga kya acha nahi laga, theek hai? So I hope you guys enjoyed the video, if you enjoyed it give it a big thumbs up, comment down below agar aapko koi achhi recipe lagi, bye.